सोफिया हयात को इस रूप में देखकर आप सभी को लग रहा होगा कि उन्होंने किसी सीरियल या फिर किसी फिल्म के लिए ये अवतार धरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ग्लैमर की दुनिया छोड़ दी है और वो बन गई हैं अब मदर सोफिया हयात। अब उन्हीं से जानते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों और कैसा आया, आपने सारी दुनियादारी क्यों छोड़ दी। ये जो 2 साल द लास्ट 2 ईयर्स रेवलेशन आ रहे थे इन माई लाइफ, एंजल्स आए थे मेरे घर पे, गणेश आया, ब्रह्मा, फिर कृष्णा, मेरी, ये जो रेवलेशन आ रहे थे और जो एंजल्स और गणेश मुझे बता रहे थे। सपना देखा आपने ऐसे सपना कुछ? नहीं, मेरे आंखों के सामने, आंखों के सामने। और जब अगर आपने इतना देखा जो मैंने देखा, देन यू वुड बी ऑन द फ्लोर लाइक दिस एंड चेंज योर लाइफ फॉरएवर। क्या जब वो आंखों के सामने आया तो क्या कहा और क्या आपसे बात हुई? पहले जो एक मेडिटेशन में गई थी और वहाँ मेरा सांस गया और सांस में जैसे स्पिरिट आया और मैं ओम 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 बोलती थी, बोलने लगी थी। और फिर उसके बाद गणेश आया और मैं जैसे गणेश आया, गणेश इट वॉज वेरी स्मॉल एंड जैसे गणेश बोल रहा था, सोफिया आपको याद करना है कि आप कौन हैं, यू हैव टू रिमेंबर नाउ क्योंकि द वर्ल्ड नीड्स यू। और फिर ब्रह्मा आया था, आई वॉज अस्लीप, देन आई वर्क अप एंड ब्रह्मा वॉज ऑन अ लोटस स्लीप। मैं जानती नहीं थी कि ब्रह्मा था, मैंने गूगल किया कि ये कौन है, क्योंकि हिंदू गॉड्स हैं, मैं सिर्फ गणेश को जानती थी जैसे कैसा गणेश लगता था। एंड फाइनली कृष्णा, और अब एक्चुअली 2 दिन पहले किसी ने बोला ये विष्णु होगा, कृष्णा इज विष्णु, क्योंकि मैंने उसको भी डिस्क्राइब किया कि कैसा लग रहा था एंड वो ट्रीज में था एंड सब मुझे बुला रहे थे कि सोफिया यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, आपका काम है, आप जानती नहीं हो कि आप कौन है। और फिर फाइनल में एक शामन प्रीस्ट आया था, उसने मुझे फ़ोन किया कि उसके घर पे भी एंजल्स आ रहे थे और उसको बता रहे थे कि मैं कौन हूँ। वो आया था और हमने मेडिटेशन किया और वो उस रूम में था एंड उसने सब कुछ देखा कि जैसे लाइट आई थी रूम में और मदर की आवाज़ आ रही थी, द मदर ऑफ द अर्थ, उसने सब कुछ देखा। और बहुत चीज़ें हुए, एक चीज़ नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हुए, सितंबर टू अप्रैल में बहुत सारी चीज़ें हुए। एक लड़की आई थी मेरे घर पे, उसने भी बोला कि उसने ख्वाब देखा कि मैं मदर हूँ। और जब वो मेरे घर पे आई थी, वो ऐसे मुझे देख रही थी, उसने देखा आपके पीछे देयर इज एन एंजल, उसने बोला द आर्म्स आर लाइक दिस विद गोल्डन हेड, शी सेड इट्स बिहाइंड यू, और वो रोने लगी, दिस इज हैपनिंग। तो आप सितंबर से आपने ये सितंबर को ये फैसला किया कि आप पूरी तरह से बदल जाएंगी और इस अवतार, ये जो अवतार है सितंबर से आपने लिया हुआ है? नहीं, पिछले साल नहीं, 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 ये अवतार अप्रैल इस साल से। क्यों? ये जो सितंबर से हो रहा था, मैं नहीं जानती थी कि ये क्या था, जैसे इट डिडंट हैपन इन वन गो। सितंबर में कुछ हुआ, अक्टूबर में कुछ हुआ, नवंबर में कुछ हुआ, दिसंबर में मैं इजिप्ट गई थी। इजिप्ट वाली कहानी क्या है, वहाँ क्या हुआ? अच्छा, वो एक दिसंबर 13th मैं घर में मेडिटेशन कर रही थी और मेरे आगे एंजल्स आए थे और इस वक्त कृष्णा भी आया था, विष्णु, कृष्णा इज विष्णु, और उन्होंने मुझे बोला आपको इजिप्ट जाना है। मुझे पता लगा कि दिस डे समथिंग वेरी सेक्रेड हैपेंड, आई स्टार्टेड टू क्राई, मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया कि ये हुआ और जैसे इट वाज सो सेक्रेड, इतना होली चीज़ होता है, एंजल्स आ गए और कृष्णा आया, आई वाज शेकिंग। लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा। 3 दिन बाद मैं गई थी, ओवर क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और मैं वहाँ गई थी, मैं जानती नहीं थी मैं इजिप्ट में क्या क्या कर रही हूँ। मैंने स्पिरिचुअल टूर्स बुक किया और 5-6 टेम्पल में दिस थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन, मेरी मेमोरी वापस आई थी कि ये मेरा घर था। और एक जगह पे मैं रोने वाली, आई वाज स्क्रीमिंग, आई वाज क्राइंग, और जो टेम्पल के गार्डियन थे वो भी रोने लगे और वो ऐसे मुझे कह रहे थे कि प्रोफेसी इज कमिंग ट्रू, प्रोफेसी इज कमिंग ट्रू। आई वाज स्टार्टेड टू स्पीक एक दूसरी लैंग्वेज, पुरानी वाली लैंग्वेज मेरे अंदर से आ रही थी। That's it. It wasn't Sophia now. It was my previous life, and this was. वो मुझे बता रहे थे कि इस कमरे में आपका husband का death हुआ. वो husband, उसका नाम Osiris है. Her name. Previous birth के बारे में आप बात कर रही हैं. उसका नाम goddess Isis है.
गॉडेस आइसिस एक्चुअली मैरी भी थी. गॉडेस आइसिस मैरी कॉनियन एंड फीमेल क्राइस्ट आर ऑल इनकॉर्नेशन ऑफ इच अदर. मैं कभी आई डिड नॉट बिलीव इन इनकॉर्नेशन बट आई हैड मेमोरीज. फिर मैं गई थी जहाँ जीसस और मैरी दे हिड मैरी एंड जीसस. मैं वहाँ गई थी, मुझे पता नहीं था कि वो वहाँ दे हिड देम देयर, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल गाइड, मैंने उसको बोला मुझे बताना नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ मुझे स्पिरिचुअल प्लेसेस लेकर जाना, मुझे मत बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं. अच्छा सोफिया, ऐसा होता है कि जब कोई सब कुछ छोड़ देता है, सन्यासी बन जाता है, सन्यासिन बन जाती है, तो वो किसी एक धर्म को अपनाता है और उस धर्म का सन्यासी या सन्यासिन बनता है. लेकिन आप, मतलब आप सारे धर्मों को का प्रचार करेंगी या आप सारे भगवानों को मानेंगी, कौन सी राह पर लोगों को चलने के लिए कहने वाले हैं आप? मैं ये कहने वाली हूँ कि पहले आप अपने आप को देखो और आप भगवान हो. यू योर सेल्फ आर गॉड. मैं सब रिलीजन, मेरी रिलीजन अगर आप बोलना चाहते हो रिलीजन मेरी क्या है, मेरी रिलीजन है लव और यूनिटी. क्योंकि जब आप इस दुनिया में पहले आए थे, आपको मालूम नहीं था या मालूम नहीं है कि कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, कुछ ये है, कुछ वो है. And this is what I want for everybody. और आपका जो real धर्म है वो Christianity है और आप profess कर रही हैं Hinduism, Islam, सब कुछ. सब कुछ. Actually, I was born a Muslim. Then I became a Catholic after study for 1 year. लेकिन जो experiences मैंने देखा, मैंने Krishna देखा. मैं जानती हूँ मेरी incarnation goddess Isis और Mary है. मैंने हाथ भी देखा, मेरे रूम में एक दिन हाथ आया. मैंने आई को देखा, वो भी मेरे रूम में आया था और मुझे थर्ड आई में हिट मी इन द थर्ड आई. हिंदुइज्म, हिंदुइज्म क्या होता है, क्योंकि हिंदुइज्म बुद्धिज्म दे हैव अ लॉट ऑफ द सेम. इन इंडिया, इंडिया का नॉलेज बहुत है. जैसे ओम, मैं इसलिए मैंने ओम का टैटू डाला क्योंकि मैंने देखा कि ओम मुझसे आया और ओम से सब कुछ बना हुआ. अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे कि ये फिजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ग्लैमर वर्ल्ड में रही हैं, आपने कुछ हॉलीवुड की फिल्म की है, टीवी किया है, बिग बॉस में आप दिखी हैं, तो ये जो ग्लैमर वर्ल्ड से जो एकदम नॉन ग्लैमरस अवतार में आप आ गए हैं, जो भी रियल लाइफ है ये आपकी, बहुत सारी आपको मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, तो कितनी तैयार हैं आप और कितना मुश्किल था ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए? मुश्किल नहीं था एक्चुअली. अब मैं सिर्फ ये, मैंने ये कपड़ा खुद डिज़ाइन किया, ये ऑर्गेनिक कॉटन है, मतलब इसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है. मतलब जो फार्मर्स हैं, आप जानते हो 25,000 फार्मर्स वो मरते हैं क्योंकि जो पेस्टिसाइड कॉटन में डालते हैं वो उससे मरते हैं, पॉइजन से. आई डू नॉट वॉन्ट टू वेयर क्लोथ्स दैट किल एनीवन एनीमोर. मैंने ये 5 बनाया और मैं यही पहनती हूँ. जब मैं अभी सब कपड़ा, शूज, सब कुछ बेच रही हूँ, मैं अभी टेम्पल खोल रही हूँ लंदन में. और टेम्पल किस बात? टेम्पल ऑफ अवेकनिंग एंड हीलिंग. बिकॉज आप खुद शुरू कर बनवा रही हैं? हाँ जी, खुद बनवा रही हूँ. तो उसमें क्या होगा? उसमें हीलिंग होगी. जो अगर कोई आ रहा है और जो सोल, ज़्यादा तो ज़्यादा लोग, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर सोल, सेपरेट. आई पुट द सोल बैक टू द बॉडी. ये भी अगर कोई हीलिंग होना चाहिए, फर्टिलिटी का हीलिंग, कैंसर का हीलिंग, मैं वो भी करती हूँ हीलिंग्स. साउंड हीलिंग भी, आई यूज साउंड. जैसे टिबेटन बोल्स का हीलिंग मैं यूज़ करती हूँ. जो उसकी ट्यून है 432 हर्ट्स, ये जो अर्थ है इसकी वाइब्रेशन है 432 हर्ट्स. एंड वी नीड टू, हमारी बॉडी की वाइब्रेशन सेम होनी चाहिए. And with this, we are connected to the earth, which means we are connected to everything in the world. So, जैसे टीवी पे बाबा लोग और जो बाकी लोग सहारा लेते हैं अपनी बातों का प्रचार करने के लिए, वैसे आप टीवी का सहारा भी लेंगे जब ये सब आप हीलिंग का, हीलिंग के बारे में शुरू कर रही हैं तो? हाँ, एक्चुअली अगर ये जो टेम्पल में वंस अ वीक में आई विल स्पीक, लोग आएंगे. लेकिन ये टेम्पल, इट्स फॉर अवेकनिंग एंड हीलिंग. आई नो कि सब लोग सो रहे हैं इस दुनिया में. Consciously, लोग, they're not living from their consciousness. अगर आप consciously live कर रहे हो, फिर आप कभी जैसे जिस्म पे क्रीम नहीं डालेंगे, मेकअप नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें केमिकल्स है जो आपको कैंसर देते हैं. और हम क्यों करते हैं, ये आपको सोचना है कि हम क्यों करते हैं.
अच्छा, कितना शॉकिंग था आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, जब आपने उन्हें बताया कि आप ये सब कुछ छोड़ रही हैं, लग्जरी सारी छोड़ रही हैं और इस तरह से आप जीने वाली हैं, तो क्या रिएक्शन था? वो रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा। एक्चुअली कोई कोई दोस्त जो पहले मैं बाहर जाती थी, मैं दारू पीती थी, मैं पार्टी करती थी, अब मैं करती नहीं हूँ। फिर वो जो दोस्त हैं मैं उनको ज़्यादा तो ज़्यादा देखती नहीं हूँ अब। लेकिन दूसरे दोस्त, एक दोस्त मेरी, उसने भी एक वो रूम में थी और उसने एक लाइट देखा और एंजल उसके रूम में भी आए। एंजल ने उसको बताया कि सोफिया इज द माता। उनको भी चीज़ें हो रहे हैं, बट इसलिए यू नो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। माय मॉम, माय मदर इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई एम कवरिंग अप। मम्मी तो हैप्पी, खुश है कि मैं अब वो कपड़े नहीं पहनती हूँ। लेकिन लोग, पीपल आर अ लिटिल बिट शॉक्ड, बट दे नो मी एंड दे नो माय हार्ट, और इसलिए वो एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि आपके जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे, कुछ इम्प्लांट हुए थे, वो आप लेकर आई हैं सिलिकॉन दिखाने के लिए। क्या ये ज़रूरी था इस तरह से इसका प्रदर्शन करना कि ये जो मैंने निकलवा दिया है, ये सब करना ज़रूरी था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया को बताना ये ज़रूरी था क्या आपके लिए? बिल्कुल, क्योंकि बच्चे देख सकते हैं कि मेरे अंदर क्या था, कि ये नेचुरल नहीं है। और जो मेरे फैंस हैं वो मुझे देखते हैं कि दे थिंक कि औरत ऐसे, दिस इज हाउ अ लेडी शुड लुक। और आदमी भी देखते हैं कि वो भी सोचते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे क्यों नहीं दिखती है। इट्स इम्पोर्टेंट दैट द वर्ल्ड सीज दिस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एंड मैं माफ़ी भी मांगना चाहती थी सब फैंस को कि दिस वॉज नॉट रियल एंड वी हैव टू प्रेजेंट रियालिटी इन आवर लाइफ। तो आपने अब तक जो काम किया टीवी में, फिल्मों में, ग्लैमर वर्ल्ड में, उसके लिए आप माफ़ी मांग रही हैं क्यों? काम के लिए मैं माफ़ी नहीं मांगती हूँ, लेकिन जो मैं रिप्रेजेंट करती थी काम के लिए। एक्चुअली ये भी सोचो कि मैं क्या कर रही थी जब मैं एक्टिंग कर रही, ये फॉल्स रियलिटी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। ये भी हमको सोचना है कि हम एक्टर्स को इतना प्रेज क्यों देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंटिंग अ फॉल्स रियलिटी। मतलब मैं, आई एम वेरी गुड एट प्रिटेंडिंग टू बी समबडी। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप किसी को हीरो बनाना है, डॉक्टर को हीरो बनाओ, टीचर को हीरो बनाओ, आपकी माँ को हीरो बनाओ। इतना रिस्पेक्ट उनको दे दो जो आप एक्टर्स को देते हैं। मतलब लड़कियों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए इस तरह से खुलेआम चीजें, ये सब। देखो, अगर इस दुनिया में लोग बुरी नजर से और जजमेंट से एक दूसरे को नहीं देखते हैं, देन वॉक अराउंड नेकेड। देन जैसे आप देखते हो जो जंगल में लोग रहते हैं, इंडिजिनस ट्राइब्स उनको बोलते हैं, वो कपड़े पहनते भी नहीं, क्योंकि जब वो एक दूसरे को देखते हैं वो बुरी नजर से नहीं देखते हैं। लेकिन ये दुनिया में लोग एक दूसरे को जजमेंट करते हैं, बुरी नजर से देखते हैं, इसलिए मैं कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मैं बॉडी हूँ। लेकिन लोगों की नजर बुरी होती है और इसलिए आई हैव टू चेंज। बस जाते जाते आखिरी सवाल कि आपने एक फिल्म की है जो रिलीज नहीं हुई अभी तक, 6X, वो फिल्म का क्या आप प्रचार करेंगे? क्योंकि आपने फिल्म में काम किया है, तो क्या अब उस फिल्म का क्या होगा? वो फिल्म रिलीज होने वाली है, आई कांट स्टॉप द फिल्म, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ इस पिक्चर में। अगर मेरी एक ख्वाहिश थी, देन आई वुड लाइक द फिल्म के रिलीज नहीं हुए, लेकिन ये इट्स नॉट माई चॉइस टू मेक। But I don't want people to remember. I want people not to see my film. मैं ये बोलती हूँ मेरी पिक्चर मत देखना, क्योंकि मैं वो लड़की अब नहीं हूँ। सोफिया, ABP न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ सोफिया हयात, जिन्होंने मदर का अवतार लेकर हम सबको चौंका दिया है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।